सो गाइस आज के वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो अपना जेविस कैरेक्टर है इसकी क्या एबिलिटी है। अभी के टाइम पे गाइस ये जो कैरेक्टर है वो आपको हीरोज कैप्सूल इवेंट से बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा, आप लोगों ने इसको क्लेम भी किया होगा। ओके बट गाइस बात करते हैं कि भाई ये जो जस्टिन वीवर का कैरेक्टर है जिसका गेम के अंदर नेम है जेविस कैरेक्टर, इसकी क्या एबिलिटी है। चलो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, फिर मैं आपको गेम के अंदर जाके दिखाऊंगा भी कि इसकी जो एबिलिटी है वो किस तरीके से काम करती है। ओके तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैरेक्टर है वो अपना एक पैसिव कैरेक्टर है, मतलब कि इसके अंदर आपको कोई पावर बटन दिखने को नहीं मिलेगा। ओके अब गाइस यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ कि आपके पास रहेगा ईपी तभी जो है आप लोग इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज़ कर पाओगे। ओके तो गाइस यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग इस कैरेक्टर को लेके खेलोगे और आपके पास रहेगा ईपी, इसके बाद अगर कोई एनिमी 12 मीटर के अंदर आपको डैमेज देता है तो आपको जो है 15% डैमेज कम पड़ेगा। ठीक है अब गाइस यहाँ पे किस तरीके से कम पड़ेगा, क्या काम करेगा, चलो मैं आपको गेम पे जाके दिखाता हूँ। जल्दी से गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी तरीके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो मेरे सामने गाइस यहाँ पे अपना जेविस कैटर है और डीजे एडम भी है, दोनों को गाइस यहाँ पे मैं डेजर्ट से मारूंगा। तो एडम को गाइस पड़ा 90 का डैमेज, बट गाइस यहाँ पे देखो जेविस को जो है अपना 76 का ही डैमेज पड़ रहा, करीब करीब गाइस यहाँ पे जो है 14 डैमेज कम पड़ रहा। ओके क्यों, क्योंकि भाई यही जो है इसकी एबिलिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके 12 मीटर के अंदर कोई एनिमी रहेगा और आपके पास रहेगा ईपी तो आपको 15% डैमेज कम पड़ेगा। ओके जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे बोल दूँ गाइस कि जो आपको 15% डैमेज कम पड़ता है वो आपके ईपी से करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एनिमी आपको 90 का डैमेज दे रहा, बट गाइस यहाँ पे क्या होता है कि आपको डैमेज पड़ा 76 का, बाकी का जो 14 एचपी है वो आपके ईपी से कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बोल दूँ कि इसकी जो एबिलिटी है वो टीममेट पे भी काम करता है। अब आप लोग बोलोगे भाई टीममेट पे कैसे काम करता है, तो गाइस यहाँ पे देखो आप लोग ये वाला क्लिप, यहाँ पे क्या है कि मैं डीजे एडम को डैमेज दूंगा तो यहाँ पे इसको भी जो 76 का ही डैमेज पड़ रहा। अब बोलोगे भाई फर्स्ट क्लिप पे तो नहीं पड़ा था, इस पे कैसे पड़ रहा, तो गाइस यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाले क्लिप पे जो था डीजे एडम के पास ईपी नहीं था, लेकिन इस वाले क्लिप में जो है डीजे एडम के पास भी ईपी है, ठीक है। तो अगर आपके टीममेट के पास भी ईपी है तो उसके उसमें भी जो है ये वाला एबिलिटी काम करेगा, अगर वो भी रहेगा 12 मीटर के अंदर तो, ठीक है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। सो गाइस यहाँ पे इस कैरेक्टर की जो एबिलिटी है काफ़ी सिंपल है कि अगर आपके पास है ईपी और कोई एनिमी आपको 12 मीटर के अंदर डैमेज देता है तो आपको 15% डैमेज कम पड़ेगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसकी जो एबिलिटी है वो टीममेट के साथ भी काम करता है, जो कि आप लोगों ने देखा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे क्या है कि जब आपके टीममेट को अगर कोई एनिमी डैमेज देगा तो उसको जो कम डैमेज पड़ेगा, मतलब कि उसको भी 15% डैमेज कम पड़ेगा, ठीक है। बट गैस उसका जितना ईपी घटेगा उतना ईपी जो है आपके ईपी में जुट जाएगा। ये चीज़ गैस एक तरफ से बोनस पॉइंट है, बट फिर भी गैस यहाँ पे इस कैटर की जो एबिलिटी है वो मुझे उतना कोई खास नहीं लगा। बाकी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको इस कैटर की एबिलिटी कैसी लगी, और फ्री के हिसाब से थोड़ा बहुत सही है बट उतना भी ओपी कैरेक्टर नहीं है। ओके बाकी आप लोग जो उससे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड गाइस होप कि गाइस आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो आज यहाँ मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चिपटा टाटा, टेक केयर।